मैं कुछ कहना चाहता हूं। अब हम दोनों की शादी हो चुकी है। संस्कृत के मंत्र पढ़ते हुए पंडित के सामने हम दोनों ने अग्नि के साथ फेरे लिए हैं और अब एक अटूट रिश्ते ने जैसे बंध से कहे, आज के बाद तुम मेरी पत्नी हो, मेरी अर्धांगिनी, और मैं तुम्हारा पति, तुम्हारा स्वामी। मैं सही कह रहा हूं ना? जब साथ जीने और मरने की कसमें खा चुके हैं तो मेरे हिसाब से हम दोनों को अपने बारे में, शादी के पहले की जिंदगी के बारे में एक दूसरे को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए, ताकि आगे चलकर हमारे बीच कोई भी गलतफहमी ना हो। मतलब समझ रही हो ना? कैसे समझाऊं? मैं अपनी प्रेमिकाओं के बारे में बताऊंगा, और तुमने अगर पहले किसी से मोहब्बत की है तो उसके बारे में मुझे सब कुछ बता दो। हम दोनों के बीच कोई भी राज नहीं होना चाहिए। सारे दरवाजे खोल दो, सारे पर्दे उठा दो। शुरुआत मैं करता हूं। शादी से पहले मैं 2 बार प्यार कर चुका हूं। पहली वाली का नाम था मृदुला, मृदुला गर्ग। हम दोनों कॉलेज में साथ साथ पढ़ते थे, एक दूसरे को प्रेम पत्र लिखते थे, और कई बार तो मेरे हॉस्टल के रूम में हम दोनों ने चुम्मा चाटी भी की थी। मैं कहता, मृदुला माई लव, वो कहती, मैं था मेरे शेर, और फिर एक दूसरे का आधा आधा घंटे तक चुंबन लेते, सिर्फ सांस लेने के लिए रुकते और फिर से किस। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उसके ब्लाउज के अंदर अपना हाथ डाला। चुंबन रोके बगैर उसने मेरा हाथ चटक दिया। मैंने फिर से अपना हाथ चटा, चुंबन तोड़कर उसने जोर से मुझे चाटा मार दिया और फिर बोली, कितने कमीने हरामखोर, और वो चली गई। कुछ दिनों बाद उसके पिताजी का ट्रांसफर हो गया और वो हमेशा हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से चली गई। मैं जानता हूं तुम्हें ये सब कुछ सुनना अच्छा नहीं लगता, पर मुझे बोलने दो। सारे दरवाजे खोलने दो, सारे पर्दे उठाने दो, उसके बाद गलतफहमी की कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी। मतलब समझ रही हो ना? दूसरी वाले का नाम था शकु, शकुंतला कुलकर्णी, एरोस्टेस थी। उसके ब्लाउज में जब मैंने हाथ डाला तो उसने चाटा नहीं मारा, और फिर तुम समझ सकती हो उसके बाद क्या क्या हुआ होगा। हम दोनों एक दूसरे के साथ 8 बार सोए, 8 बार। उसके बाद उसकी शादी हो गई किसी पायलट के साथ। उसने इनविटेशन कार्ड भी भेजा था, मगर मैं नहीं गया। इन दोनों के अलावा मैंने कभी भी किसी और लड़की को छुआ नहीं, और तुमसे शादी के बाद किसी और लड़की के बारे में सोचूंगा तक नहीं। समझ रही हो ना? थैंक्स। अब तुम मुझे अपने बारे में बताओ। बताओ ना, मेरा दिल बहुत बड़ा है, मुझे बुरा नहीं लगेगा। शादी से पहले हर लड़की किसी ना किसी से प्यार करती है। तुमने भी मोहब्बत की होगी। सो व्हाट? बताओ, बताओ ना, बताओ। मैंने कभी किसी से प्यार नहीं किया। मैं जानता था। मगर मैं दूसरे मर्दों के साथ संभोग कर चुकी, कई मर्दों के साथ। सबसे पहले वाला था मेरे दादी का चपरासी, तब मैं 13 बरस की थी। दूसरा वाला था चपरासी का दोस्त, तीसरा शायद पड़ोसी का बेटा था। हाँ, पड़ोसी का बेटा ही तो था, निकी पटेल, और फिर निकी के पापा चंकी पटेल। हाय हाय, मुझे तो नाम भी याद नहीं, काफी थे। जब 20 की हुई तब मेरी जिंदगी में आया था जो जो मुश्तंडा 12 इंच का वंड, जिसने मेरी मजेदार, क्या चूता था। मेरे ख्याल से उसी ने सबसे पहली बार मेरे पीछे से, फिर आया अब्दुल्ला हमारा खान सामा, फिर से फिर डैडी का सेक्रेटरी सुब्रमण्यम। अरे हाँ, अजय और विजय के बारे में तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गई। जुड़वा भाई, अजय मेरे आगे से लेता था और विजय पीछे से, और उनकी मम्मी वो हमें व्हील चेयर पर सामने बैठ कर देखा करती थी।
अपने पास्कल एंथनी भाई का बेटा। अब एंथनी भाई तो भाग गए दुबई, इसको छोड़ गए मेरे पास। बोले धंधे की ट्रिक सिखाओ, ख्याल रखो। मैंने कहा यार सिखा देंगे भाई, तो थोड़े दिन वास्ते तो इसका बाप मैं ही हूं। है भाई पास्कल, अरे थोड़े दिन वास्ते तेरा माँ बाप बॉडीगार्ड सब मैं ही हूं, पता है? देख बता, हंसता भी नहीं। ये एंथनी भाई दुबई क्यों चला गया? वारंट निकल गए थे, अब 6 महीना वहीं रहोगे बिना टेंशन के। अच्छा, कोई मिस्टर मेहता करके आया था अपने घरवाले की सुपारी लेके, लेवे के आदमी ठीक लगा तो? अब है तो चूतिया टाइप का, पर आई थिंक नो प्रॉब्लम यार। ठीक है, मीटिंग रखो, कल का कर दो फिक्स। हाँ कर लो, कर लो, कर लो। सर ये तेरी लॉटरी का क्या चक्कर है? एक न एक दिन तो जैकपॉट निकलेगा कभी। कितना पैसा कमा रहे हैं? पैसे की कमी है कितने पास? 2 करोड़ का मामला है। जिस दिन मिल गया ना, कदम से ये धंधा छोड़ दूंगा, रिटायर हो जाऊंगा और बाकी की जिंदगी कटेगी किताबों के लिए। किताब? तू मेरे यार प्रोफेसर का प्रोफेसर, किताब पढ़ूंगा। अब मेरी समझ में ये नहीं आती इस धंधे में कैसे आ गया। बड़ी लंबी कहानी है उड्डा, फिर कभी सुनाऊंगा। एक तो गाड़ी चला। ले लेता टपकारा जरूरी है क्या? हाँ ठीक है, टपका दूंगा। हमें क्या छोटा से पैसे वैसे की बात हो गई? हाँ अम्मा, ढाई काम के पहले और ढाई काम के बाद। बिल्कुल ठीक। और बैलेंस पेमेंट अगर टाइम पे नहीं दिया तो तेरे तो दे दूंगा ना। ये पकड़। नेक्स्ट संडे ठीक रहेगा? नेक्स्ट संडे जल्दी नहीं हो सकता? एक प्रॉब्लम है यार। चलेगा। अच्छा ये बता, संडे को तेरी बीवी का क्या प्रोग्राम रहता है? मतलब कहाँ जा जाती है वो? अरे यार मैं तो रिसर्च करूंगा ही, लेकिन थोड़ा हिंट विंट मिल जाए तो अच्छा है ना। संडे को वो स्विमिंग करने जाती है, रीजन जमखाना। अच्छा अच्छा, वो जो नीलकंठ होटल के सामने है। नीलकंठ होटल? चल तू छोड़ जाने दे। हर संडे को जाती है? हर संडे सुबह 10 बजे। ठीक है समझो, तुम्हारा काम हो गया, अब घर जाओ खुशी खुशी और अगले संडे मातम की तैयारी करो। और सफेद कुत्ता पजामा नहीं हो तो खरीद लेना। और हाँ,
एडवांस पेमेंट गुड्डा को भिजवा दो, उसके साथ एक अपनी बीवी की फोटो, अच्छी सी फोटो क्लोजअप भिजवा देना, ठीक है? जाओ। हाँ क्या देख रहा है? टेंशन मत ले, कुछ नहीं दिख रहा, तेरी तोंद सामने आ रही है। यार प्रोफेसर कुछ कसरत वसरत करा कर यार, सेहत बना थोड़ी सी, सारी बॉडी थुलथुल हुई पड़ी है तेरी। अच्छा और क्या? मैं थुलथुल हूं। हाँ तो और क्या, ऊपर से नीचे तक चर्बी चर्बी तो है। देख मेरी मान, थोड़ा तेल घी कम कर दे और गुजराती थाली बिल्कुल बंद कर दे कल से, बता। जान दे किडनी फेल हो जाएगी तेरी। मुक्का मार घुमा के। अरे बावड़ा हो गया क्या? पंचमी, कम ऑन पंचमी। ले ये क्या कर रहा है पंचमी? हार्ड हार्ड। बस कम ऑन कम ऑन, थाना पंच पंच। बस थुल थुलू मैं। प्रोफेसर, अबे हुड्डा मैं तेरे को ही फोन लगा रहा था यार। हाँ तो आ जा, बैठ के दारू पीते हैं साथ में। अरे यार यहाँ लफड़ा हो गया है, मैं अपना चश्मा लाना भूल गया हूँ। कहाँ तू? होटल में।
पुत्र बहन की, मतलब काम अभी तक नहीं पूरा हुआ है यार। मेहता की घरवाली की फोटो टोटल आउट ऑफ फोकस है। अब समझ में नहीं आ रहा है गोली चलाऊं तो किस पर चलाऊं। प्रोफेसर एक काम कर यार, वहां स्विमिंग पूल में जितनी भी लेडीज है ना सबका उड़ा डाल। उड़ा बात को सीरियसली ले ले यार। अच्छा ठीक है, ले हो गया सीरियस। हेलो। हाँ मेहता, काम हो गया? काम बस होने वाला ही है। एक्चुअली प्रोफेसर बैठा है होटल की खिड़की पर राइफल ताने के तैयार। गुड यार, लेकिन एक छोटी सी टेंशन है। वो तेरी घरवाली देखने में कैसी लगती है? मतलब वो क्या है ना यार कि स्विमिंग पूल पे बहुत सारी लेडीज हैं। अब प्रोफेसर जो है मेरे साथ बात कर रहे हैं दूसरी लाइन पर, तो वो ये जानना चाहता है कि तेरी घरवाली उनमें से कौन सी है, कैसी लगती है। मैंने फोटोग्राफ तो भिजवा दिया था। अरे वो कह रहा फोटो तो भिजवाया था। समझा यार उसको। हाँ नहीं मेहता, वो क्या है कि जो फोटो है वो आउट ऑफ फोकस है क्योंकि भाई यार चश्मा भूल गया। अरे चश्मा भूल गया तो रिंग कैसे लेंगे? तो यार तू उसकी चिंता क्यों कर रहे हैं? एक्चुअली प्रोफेसर को क्या कहते हैं यार उसको, हाँ रीडिंग ग्लासेस हैं। मतलब सिर्फ पास की चीज जो है वो क्लियर नहीं दिखती, दूर की चीज बिल्कुल क्लियर दिखती है। और स्विमिंग पूल भी दूर है। हाँ क्यों प्रोफेसर? अबे हुड्डा पॉइंट पे आजा जल्दी से। हाँ तो बता भाई क्या हुलिया तेरी घरवाली का ताकि मैं प्रोफेसर को मैसेज पास ऑन करूं। कुतिया है तो हरामजादी मगर दिखने में बड़ी मस्त है। वो कह रहा है कि कुछ बड़ी सुंदर है। अबे उसको बोल कि स्विमिंग पूल पे एक दो को छोड़ के ना सब बहुत सुंदर है, एक से एक छरे बदन है, जी में आ रहा कि कच्चा ही खा जाऊं। ओ एक्चुअली प्रोफेसर जो है वो और डिटेल जानना चाह रहे हैं। और डिटेल सर, उसने लाल कलर की बिकनी पहनी होगी, उसके पास सिंपल की बिकनी है जिसका रंग है लाल। मैं प्रोफेसर बन की बात, जिस भी औरत ने लाल रंग की बिकनी पहन रखी है उसको उड़ा दे। मिल गई, मिल गई। धक तेरे की, धक। क्या बात होगी? अबे दो औरतों ने लाल बिकनी पहनी हुई है यार। ओ बहन चल। अरे यार दो लेडीज ने पहन रखी है लाल बिकनी, क्या करें अब। मेरी वाइफ की बिकनी ब्राइट रेड है। ला भाई प्रोफेसर, जो ब्राइट रेड कलर की बिकनी पहन रखी है जिसने उसको उड़ा दे। अबे दोनों की बिकनी ब्राइट रेड कलर की है। अरे यार दोनों की बिकनी ब्राइट रेड कलर की है। मेरी वाइफ की बिकनी स्ट्रैपलेस वैरायटी की है। अरे ये कुछ यार स्ट्रैपलेस बोल रहा है यार, ये स्ट्रैपलेस क्या होता है? वो मैं तेरे को बाद में समझा दूंगा, उसको बोल कि दोनों की बिकनी स्ट्रैपलेस ही है। अरे दोनों स्ट्रैपलेस है। अरे मेहता स्ट्रैपलेस क्या होता है भाई? अरे तुम नहीं समझोगे, प्रोफेसर से कहो कि उस बिकनी में मेरी वाइफ के बम में छलकते से हैं। ये कह रहा है कि उस बिकनी में से उसकी घरवाली के थन जो हैं वो छलकते हैं। अरे थन क्या है, एक तो पूरी पूरी छलक रही है और दूसरी टपक रही है। अरे एक की बिकनी में से छलक रहे हैं और दूसरी के में से टपक रहे हैं। अरे जो छलक रही है वही मेरी बीवी है। जो छलक रहे हैं वो मेहता की घरवाली है। अरे उससे कह दे जो छलक रही है वो टपक भी रही है और जो टपक रही है वो छलक भी रही है। अरे मां चुड़ा गया सोता यार बहन, मेरे से नहीं होता है गांड पंगा, ऐसा लग रहा है पेदर कंपनी में काम कर रहा हूँ। अच्छा एक मिनट सुन, मैं तेरे दोनों का डायरेक्ट कनेक्शन बिठा देता हूँ, ठीक है? लो क्या कर रहा हुड्डा? हेलो तू कर क्या रहा हुड्डा? अब जोर से बोलो, जोर से। हेलो 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 मेहता, हेलो। तू अपनी बीवी की कोई और डिटेल बता यार। मेरी वाइफ की बिकनी पैंटी धागों से बंधी है। अबे दोनों की बिकनी पैंटी धागों से बंधी है। जिसकी पैंटी लाइन एकदम नीचे है वही मेरी बीवी है। चूतिए बिकनी बिकनी क्या कर रहा है बे? अपनी बीवी के बारे में बताओ, दिखती कैसी है? हाँ भाई सब ठीक चल रहा है ना। अबे तू मेहता से बात होने दे यार। हाँ लेना। हेलो हेलो हेलो। हाँ हाँ हेलो। तुम्हारी बीवी के वाइटल स्टैटिस्टिक्स क्या है? हाँ वाइटल स्टैटिस्टिक्स 34 24 34। यार तो दोनों ही एक जैसी लग रही हैं। हेलो और कुछ? मेरी बीवी की हाइट 5 फुट 5 इंच है। और कुछ? वो स्विमिंग करते वक्त अपनी घड़ी नहीं उतारती, वाटर प्रूफ है। और कुछ? उसके बाल कंधों तक हैं। एक के बाल कंधों तक हैं। वही मेरी बीवी है। अबे लेकिन दूसरी ने तो स्विमिंग कैप पहन रखी है, उसके बाल भी तो कंधों तक हो सकते हैं। शिट शिट शिट। और कुछ? हाँ भाई सब ठीक चल रहा है ना। अबे यार तुम मेहता से बात होने दे यार। हाँ ले ना। हेलो। देखिए मेरी बीवी के कंधे पर एक छोटा सा तिल है। अबे चूतिए मैं टेलीस्कोपिक साइट से देख रहा हूँ,
माइक्रोस्कोप से नहीं देख रहा हूँ, लाडू का तिल विल नहीं दिखता इसमें। एक काम कीजिए, दोनों को मार दीजिए। गुड आइडिया, लेकिन दुगने पैसे लगेंगे, पूरे 10 लाख। 10 लाख? हाँ, ये तो बहुत ज्यादा है। कुछ डिस्काउंट नहीं मिल सकता? नो डिस्काउंट, बाटा रेट प्लीज। नहीं नहीं, एक काम करते हैं, आज का प्रोग्राम पोस्टपोन करते हैं, अगले संडे का रखते हैं, तब मैं अपना चश्मा भी ले आऊंगा। नहीं 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 नहीं, अगले संडे नहीं, आज ही। आज नहीं हो सकता यार, टू मेनी कॉम्प्लिकेशन, सॉरी, यू हैव टू वेट टिल नेक्स्ट संडे। एक सेकेंड, मुझे एक बढ़िया सा आइडिया आया है। हाँ भाई, सब ठीक है ना? अबे उड्डा, उस चूतिया को बोल के अगले संडे का रखते हैं। भाई सुन, देखो मेरी बात सुनो, प्रोफेसर कह रहा है कि मेरा आइडिया प्लीज सुन लो। एक मिनट। हाँ बोल। मैं डिस्कनेक्ट करके रीजेंट जिमखाना फोन लगाता हूँ। ओ हुड्डा, मैनेजर से कहूंगा कि मुझे मिसेज मेहता के साथ बात करनी है। ओ हुड्डे, मैनेजर अपना कॉर्डनेस किसी अटेंडेंट के साथ स्विमिंग पूल पर भेजेगा। दोनों औरतों में से जिसने फोन उठाया वही मेरी बीवी होगी, और प्रोफेसर से कहो कि उसी पर गोली चलाए। यार इतना तो कमाल कर दिया मेहते, बहुत बढ़िया आइडिया यार, मैं तो समझ रहा था तो बिल्कुल चूतिया है। क्या? नहीं, मजाक कर रहा था यार। हाँ ठीक है, अपने फोन डिस्कनेक्ट करता हूँ। चल। हाँ भाई प्रोफेसर, अरे यार मेहते ने तो कमाल का आइडिया दे दिया, बहुत बढ़िया। क्या 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 बोल रहा? Yeah, may I speak to manager, Mr. Srivastava, please? Very good. Mr. Srivastava, I'd like to speak to Mrs. Mehta. बहुत अच्छा idea. She'll be at the swimming pool. बस उड़ा, समझ काम हो गया। बोली की आवाज सुनेगा? हाँ हाँ, अभी सुनाता हूँ। बेबी इट्स मी। अरे मैं बोल रहा हूँ, आई एम बेबी इट्स मी। हु इज दिस? मिसेस मेहता। मिसेस आई एम मेहता? नो, मिसेस रामनिक मेहता। फोन फेंक कर भाग। माँ की चूत। बुड्ढे काम हो गया। हाँ भाई मेहते, काम हो गया। इतनी जल्दी वापस घर आ गई? स्विमिंग करने नहीं गई क्या? आ गई थी, पर वहां पहुंचकर पता चला कि मैं अपनी बिकनी यहीं भूल गई। क्या बात है, तुम इतने टेंस क्यों दिख रहे? मैं, वो मेरा सेलफोन पॉटी में गिर गया। पागल हो गए क्या? इस तरह पब्लिक में फोन पे तो डरका देते हो, तो सोचा खुद ही चल के मिलाऊं। बात क्या है? सिंपल सी बात है, पैसे वसूल करने आया हूँ। बैलेंस अमाउंट 50%, 2.5 लाख। हेलो, कैसे पैसे? ए भाई, तुम्हारे कहने पर मैंने गोली चलाई, और मेरी हर गोली की कीमत होती है जो क्लाइंट को चुकानी पड़ती है। मगर मेरी बीवी अब तक जिंदा है। अरे भैया, तुमने ही बोला था ना कि जो औरत लाल रंग की बिकनी में फोन उठाएगी वो तुम्हारी बीवी होगी। मैंने उसको खत्म कर दिया, मुझको मेरे पैसे चाहिए। देखिए, आप मेरी असली बीवी को मार दीजिए और पूरे पैसे ले जाइए, कैश। उसके तो अलग पैसे लगेंगे। क्यों भाई? एक गोली की कीमत 5 लाख, दो की 10 लाख। मेरा क्या बोला मादर चौक? क्या बोला? फिर से बोल। देख चूती, ज्यादा श्यान पति मत दिखा, वरना यहीं पे इसी वक्त तेरा भेजा उड़ा दूंगा। अब सीधी तरीके से पैसे निकालता है कि नहीं? मगर वो मेरी बीवी नहीं थी। अरे उस दिन तो बहुत सीना ठोक के बोल रहा था कि वो मेरी बीवी है, अब बता गलती तेरी थी कि मेरी?
मेरी थी। मगर गलती आपकी भी थी। क्या? अगर आपने उस दिन अपना चश्मा ना भूला होता तो शायद। अगर उस दिन आपके पास चश्मा होता तो तस्वीर देखते ही आपको पता चल जाता कि वो स्विमिंग पूल पर है ही नहीं। उस दिन वो अपना बिकनी घर पर ही भूल गई थी। Actually, you are right. गलती मेरी थी। उस दिन वो चश्मा क्यों भूला मैं? I'm sorry, मेहता। तो आज तक अपना चश्मा कभी नहीं भूला, लेकिन पता नहीं उस दिन कैसे। आपकी तबीयत खराब है? थोड़ा सा अस्थमा का प्रॉब्लम है, बट नथिंग टू वरी। दवा हमेशा अपने साथ रखता हूँ। देखो भाई, बिल्कुल कहा सुना, माफ करना, बुरा मत मानना। I really didn't mean it. I'm sorry, but sorry. सुनिए, मेरा काम हो जाएगा ना? अगले संडे आपका काम हो जाएगा 100%. Thanks. मेहता, एक रिक्वेस्ट थी। बोलो। देखो, अब मैं तुमसे जो कहने जा रहा हूँ उसको सुनकर ये मत समझना कि मैं कोई अनप्रोफेशनल किस्म का आदमी हूँ, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है और कोई चारा नहीं है। देखो, मैंने आज तक अपने किसी भी क्लाइंट से ऐसी बात नहीं की है, लेकिन प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। हाँ, मगर बात क्या है? वो क्या है मेहता, कि अगर वो तुम्हारी बीवी वाला बैलेंस अमाउंट काम होने से पहले मिल जाता तो देखो तुम्हारा काम हो जाएगा, 100% हो जाएगा, नेक्स्ट संडे पक्का हो जाएगा। हाँ, लेकिन काम से पहले पैसा, प्लीज प्लीज प्लीज, पैसे की बहुत दरकार है। अगर इतनी जरूरत नहीं होती तो मैं तुमसे कभी कहता भी नहीं। तो क्या है कि अब कैसे बताऊं मैं, क्या है कि फ्लैट खरीद रहा हूँ। ठीक है, अगर आप कहते हैं तो। वैसे ऐसे करना मेरी बिजनेस पॉलिसी के बिल्कुल खिलाफ है। I know. मगर आपकी बात भी तो नहीं डाल सकता, और आप पर पूरा विश्वास है, बहुत सुना है आपके बारे में, लोग कहते हैं आप उसूल के बिल्कुल पक्के हैं। बिल्कुल ठीक सुना है आपने, कल भिजवा दूंगा। क्या क्या, अभी तो आप बैंक से ब्रीफ केस लेके निकले हैं, अभी 2.5 लाख की तो बात है सिर्फ, नहीं तो आपको कल फिर तकलीफ उठानी पड़ेगी ना। हाँ नहीं, लेकिन लेकिन ये पैसे तो प्लीज, पैसे आज ही चाहिए, नहीं तो मैं कहता क्या आपको। ठीक है, जैसा आप चाहें, मगर एक बार फिर से याद दिला दो, ये मेरी बिजनेस पॉलिसी। आई नो, बट मैं खुद कितनी शर्म महसूस कर रहा हूँ मैं बता नहीं सकता, लेकिन क्या करूँ, और कोई चारा नहीं है। मगर याद रहे, मेरा काम हो जाना चाहिए। उसूलों का पक्का आदमी हूँ, दोबारा शिकायत का मौका नहीं दूंगा। गिन तो लीजिए। अरे गिनने की क्या जरूरत है, मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा। ये क्या मजाक है? मजाक नहीं करता कभी, जो कुछ करता हूँ सोच समझ के। क्या मुंह बंद कर गांडव। खोखला की पख जिम्मे रात आई जे, जेड़ा आगे पीछे देखे उसकी शामत आई जे।
कोक लेके पाके जिम्मे रात आई जे। प्रोफेसर साहब टेंशन हो गई। क्या हो गया? मिस्टर मेहता की वाइफ आई थी। वो मिस्टर आया मेहता की मिसिस वही वाली? हाँ वही। एक्चुअली उसने मिस्टर मेहता को टट्टी में तेरे से फोन पे बात करते हुए सुन लिया। नहीं, तू कौन है और मिस्टर मेहता किससे बात कर रहा था इस बारे में उसको कुछ नहीं पता। पर मिस्टर मेहता उसको मरवाना चाहता है और उसके प्राण लेने की कोशिश कर रहा है, ये बात उसको पता लग गई। वो अपने खसम की सुपारी लेके अपने पास आई थी। सुन ली कि नहीं ली? एडवांस लेके आई थी और मैं ले भी चुका। अरे तो इसमें टेंशन की क्या बात है, ये तो हमारा काम ही है। हाँ, वर्क इज वर्शिप, वी हैव टू डू। पर बहन तो टेंशन ये हो गई है कि देखो, ये मान लो मिसेस मेहता और ये मिस्टर मेहता। अब मान लो तूने मिसेस मेहता को पहले मार दिया तो वो बैलेंस अमाउंट जो मिस्टर मेहता के मरने के बाद मिसेस मेहता देने वाली थी वो नहीं मिलेगा। हाँ। और इसी तरह अगर मिस्टर मेहता को पहले मार दिया तो वो बैलेंस अमाउंट जो मिस्टर मेहता देने वाले थे मिसेस मेहता के मरने के बाद वो नहीं मिलेगा। तो मतलब ये है कि दोनों सूरत में अपने को 2.5 लाख का नुकसान। तेरी बीवी बड़ी श्याणी है, बैलेंस अमाउंट काम खत्म होने से पहले देने से साफ इनकार कर दिया और तू निकला चूतिया। बैलेंस अमाउंट भी दे दिया तो मरने के लिए तैयार हो जाए। मुझे मत मारो प्लीज। वो आपको 5 लाख दे रहे ना, मैं 10 दूंगा 10, बट डोंट किल मी प्लीज। Please don't kill me. I will. और तू क्या मुझे पैसे का लालची समझता है बे? मुझे मालूम है तेरे ब्रीफकेस में बहुत सारे पैसे, लेकिन तुझे मारने के बाद मैं इन पैसों को छूंगा भी नहीं। अपने भी कुछ उसूल है बॉस, भूल गया क्या? I don't want to die. Nobody wants to die. Even I don't want to die. But I will die sometime. हो सकता है तुझे मारने के बाद सड़क क्रॉस करते हुए मेरा एक्सीडेंट हो जाए। होने को कौन टाल सकता है, इसलिए मरने के लिए तैयार हो जाओ। प्लीज प्लीज। पॉटी निकल गई क्या? कोई बात नहीं कोई बात नहीं, पोस्टमार्टम वाले तेरा कांड साफ कर देंगे अच्छी तरह से। हैं? ओ हाँ हाँ, तू चिंता मत करना, तेरी बीवी को तेरे पास पहुंचा दूंगा अगले इतवार तक। ओके ठीक है ना, पिक्चर अच्छी है। रोका लाएगा ला ना, ले ले जिम लिया ना। अरे पूरा भाई, मेरे को मरने का है क्या? अभी चलता हूँ, आगे कोई काम होगा तो याद करना। ओके। अरे सुनो भाई, साला एक बात तो पूछने भूल गया। पूछो। तुम तो मेरा काम रीजन जिम खाना का पार्किंग लॉट में करने वाले थे ना, फिर वो स्विमिंग पूल में। रमनीत मेहता, तुमने बोला तुम्हारी वाइफ को खलास करने का, अभी मैं वो काम पार्किंग में करूँ, स्विमिंग पूल में करूँ या किधर भी करूँ, तेरे को क्या करने का? तू आम खा, गुटली मत ली। नहीं, दिमाग में आया बात से पूछ दिया। ऐसे नहीं पूछने का। बरोबर, चलता हूँ मैं। मिलते हैं। अब लोगों से लड़ भागेगी। देखा क्या मम्मे यार, किलो किलो के। हाय रवीना मेरी जान, आजा राजू की बाहों में। आशीष
अरे सो रहे हो क्या? नहीं सोच रहा हूँ यार। अरे पैसा देकर टिकट खरीदा है, दिमाग बाहर रख के अंदर आने का, सोचने का नहीं, पिक्चर देखने का बस। वो राजू क्या है कि मेरे दिमाग में सॉलिड आइडिया है। हाँ बाद में नहीं सुन तो सही तो नहीं देखने तो ना पास भाई। मैं क्या कह रहा हूँ, तो कोई फॉरन की गाड़ी क्यों नहीं उड़ाता थे? टैक्सी चुरा सकता है कोई, मर्सिडीज या BMW नहीं चुरा सकता? रहने दो पास भाई, छोटा मोटा काम करता हूँ कुछ, बड़े पुण्य में आपको हाथ नहीं डालने का। क्या कह रहा हूँ देख, तो क्या करता है, एक टैक्सी चुराता है, मैं उसमें पेंट पांट करके चक्का चक करके भेज देता हूँ, क्या मिलता है 15,000 रुपये घंटा, 7.5 तेरे को 7.5 मेरे को, अगर 40-85 गाड़ी उड़ाएगा तो कम से कम 15-20 तो लाख मिलेंगे। 10 लाख तेरे, 10 लाख मेरे, ऐश करेंगे दोनों मिल के। 10 लाख सुन, 10 लाख तेरे पास होंगे रवीना जैसे छोड़ने तेरे आगे भी से चक्कर लगाएंगे। मेरे पास बस पिंडी पड़ी और मैं जया हसरानी के साथ शादी करूंगा। अरे सवाल ही नहीं पैदा होता है, किसी और को पटाऊंगा जिसका कोई स्टैंडर्ड हो मेरे माफिक। अच्छा राजू तो फिर वो डील पक्की? कौन सी डील? यही गाड़ी वाली है। अरे नहीं यार बस मेरे तो पुलिस का लफड़ा हो जाएगा। अभी कोई लफड़ा नहीं होगा, तू मेरा शेर है, बब्बर शेर है तू मेरा। हाँ ये शेर बब्बर शेर बोल बोल के एक ना एक दिन आप मेरे को जेल की हवा खिलवा के रहोगे। अबे जेल जाए तेरे दुश्मन, मैं तू गाड़ी उड़ा तो सही, फिर देख मैं तुझे कैसे मालामाल करता हूँ। अच्छा चलो देखिए, देखो देखो फिर से स्लो मोशन में भागेगी, देखा रवीना मेरी जान। Ring dang a ding 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 पास आई वो शर्माई वो और दिल दे दिया। तो रोता है क्यों? क्योंकि सपना था वो तूने जगा दिया। मैंने? मेरी मानो छोड़ ये सब, मस्त रहो, खाओ पियो, ऐश करो, खुश रहो, खुश रहो ना यार। सिंग इन इंग्लिश, सब गाओ इन इंग्लिश, गाओ इन इंग्लिश गाना। Me look at her, she not look at me, why she angry? Raju loves her like English picture, will you marry me? क्या बात है? Me SSC, she MSC, my heart is empty. Me still love her like English picture, my heart goes teeny teeny. मेरी मानो देख बे गाड़ी, हाँ इम्पोर्टेड गाड़ी है बस भाई, मर्सिडीज। वही तो मैं कह रहा हूँ इम्पोर्टेड गाड़ी है, उठा ले। कुछ नहीं होगा बे, भाग लूंगा, मालिक सामने खड़ा है यार। कोशिश तो कर, कोशिश तो देख, का चाबी भी लगी हुई है। नहीं नहीं बस भाई, नहीं नहीं 10 लाख सोच ले। ओके काम हो जाएगा ना, गैराज में मिलेंगे ठीक है। और सुन मैं नोट्स में बताइए, पुलिस को लफड़ा हो सकता है ठीक है, आर्य वाली रोड से आ जाइए ठीक है। तब बात को समझने की कोशिश कर, मामला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। हाँ उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तुम मेरी बात तो सुन ही नहीं रहा है, हर वक्त ध्यान किसी से काम नहीं करता है, थोड़ा बहुत तो अपना दिमाग लगाना पड़ेगा ना। हाँ अब ऐसा भी जाए।
आएगा। एक तो तू बात को बिल्कुल सुनता ही नहीं है ना, अपनी अपनी बात को ध्यान में रखा। तेरी गाड़ी मक्खन के माफक चलती है रे। आधे घंटे से खड़ी हूँ, ना कोई टैक्सी और ना कोई रिक्शा, परेशान हो गई हूँ। आप नहीं पहुँचते तो कोई बात नहीं, अब तो मैं पहुँच गया। चले राजू, नहीं मतलब राज, राज सच है ना? Glad to meet you. I'm Maya, Maya Kapoor. वैसे करते क्या हैं आप? मैं रेस्टोरेंट बिजनेस है मेरा। That's wonderful. मेरे डैड भी उसी बिजनेस में हैं। कौन सा रेस्टोरेंट? अब एक वो तो बताओ, यू नो चेन ऑफ रेस्टोरेंट। वाओ, बॉम्बे में? हाँ बॉम्बे में, दिल्ली, आगरा, मद्रास, चेन्नई, अभी हैदराबाद में भी एक बना रहे हैं। I'm impressed. चलते रहता है। आप क्या करती हैं? I'm a designer. अच्छा, एक बंगला बना रहा हूँ मैं, डिजाइन करेंगे? I'm a clothes designer. मतलब? हाँ हाँ जा, of course. Clothes designer. Good, good, very good. आप हमेशा प्लेन में सफर करती है? मतलब ऑफ कोर्स, क्यों? नहीं मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था, मैं भी प्लेन में ही सफर करता हूँ, ट्रेन में नहीं, ट्रेन मुझे पसंद नहीं। Hey, come on, मुझे ट्रेन में सफर करना बहुत पसंद है, लेकिन क्या करूँ वक्त ही नहीं मिलता। आपको ट्रेन पसंद है? वैसे प्लेन की टिकट नहीं मिलती तो मैं भी ट्रेन में ही सफर करता हूँ, लेकिन फर्स्ट क्लास एसी में एकदम। I hate AC. कांच नहीं खोल सकते, बाहर की हवा नहीं, कुछ दिखता नहीं। What is the point? You got a point. आप जा कहाँ रही है? बैंगलोर। वहाँ कोई रेस्टोरेंट होगा आपका? है ना, बना रहे हम लोग वहाँ पे। कहाँ पर? वो मंत्रालय के सामने। मंत्रालय? हाँ। You mean विधानसभा? हाँ वही, विधानसभा के सामने। लेकिन वहाँ रेस्टोरेंट बनाने की परमिशन कैसे मिली आपको? वो क्या, मेरे डैडी की पहुँच बहुत ऊपर तक है। That's strange. मेरे डैड भी बहुत रिसोर्सफुल हैं, वो भी वहाँ रेस्टोरेंट बनाना चाहते थे, लेकिन उन्हें तो परमिशन नहीं मिली। शायद मेरे डैड की पहुँच आपके डैड से बहुत ज्यादा है, डोंट माइंड। तुम मेरे डैड को नहीं जानते, उनकी पहुँच तो दिल्ली तक है, वो तो प्राइम मिनिस्टर तक को जानते हैं। अरे तुम मेरे डैड को नहीं जानती, वो तो अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर को भी जानते हैं। अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर को? लेकिन वहाँ पर तो सिर्फ प्रेसिडेंट होता है। हाँ वही, प्रेसिडेंट को जानते हैं। नाम बताओ प्रेसिडेंट का। रोनाल्ड रीगन। तो उसमें ऐसे ही क्या बात है, गलती हो गई, शायद मेरे डैडी इंग्लैंड के प्रेसिडेंट को जानते होंगे। हाँ लेकिन वहाँ पर तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर होता है, और वहाँ की क्वीन? मालूम है, मेरे डैडी किसी बड़े देश के बड़े प्रेसिडेंट को जानते हैं, उन्होंने बताया था। ये गाड़ी तुम्हारी है, तुम सिर्फ ड्राइवर हो? अरे मेरी गाड़ी है, और मेरे पास ऐसी बहुत सी गाड़ी है, सब अलग अलग मॉडल का। और क्या है तुम्हारे पास? बहुत सारा पैसा है मेरे पास। कितना पैसा? बहुत पैसा। पर्स दिखाओ। अरे नोटों से भरा हुआ है। कितने नोट? बहुत नोट। गाड़ी रोको। क्या? गाड़ी रोको। गाड़ी रोको। रोको कार, पटवा निकाल। ये क्या मजाक है चूतिया, मजाक लग रहा है तेरे को?
घुसे दूंगी चाकू तेरे टेटवे में, चल निकाल बटुआ। अब एक गांडू मुंह बंद कर बटुआ निकाल। हाँ हाँ निकाल रहा हूँ निकाल रहा हूँ, मेरे पास है कुछ नहीं। ये देख ये भी खाली है, ये भी खाली है, और पीछे बटुआ भी खाली है। असल में मैं तेरी बिरादरी का हूँ, ये गाड़ी चोरी की है मैंने। माया सॉरी, अगर भाई इतनी देर से चूतिया खींच रहा था क्या? अरे तो तू भी तो चूतिया बना रही थी। अगर मैं परत बड़वा साला धंधा खोटा किया ना, कितना टाइम वेस्ट हो गया। वो टैक्सी वाले को एक्टिंग करने का पैसा देना पड़ा वाला। सॉरी है सॉरी। हाँ चल गाड़ी से नीचे उतर। चल क्या की रे भाई, सुनने को नहीं आता क्या? चल उतर चल। क्यों? लेकिन क्यों क्या? अब ये गाड़ी मेरी बेचूंगी। लेकिन मैंने चोरी की है। तो क्या, अब ये मेरी है। ए, प्लीज देख पाया। चुप चल। अरे अच्छा ठीक है चल, एक काम करते हैं, ये गाड़ी बेच के आधा आधा बांट लेते ठीक है। वो अपने चाचा के अलावा मैं किसी के साथ कुछ भी नहीं बांटती, समझे? चल ए, माया प्लीज देख। मिस्टर राज सक्सेना मरने का इरादा है क्या? उतर रहा हूँ उतर रहा हूँ। ठीक है ठीक है। और वैसे राज सक्सेना नाम नहीं है मेरा, मेरा नाम है राजू। मैं भी माया कपूर नहीं हूँ। अच्छा तो तुम्हारा असली नाम क्या है? अल्लाह। अरे नाम तो बता दी जाओ। मेरे मिट्टी के शेर, तूने कमाल कर दिया बे, कमाल कर दिया तूने। अब तू देख हम बिल्कुल मालामाल हो जाएंगे बे। अरे ये तो बिंदिया है। ये बिंदिया और क्या, कहां से उठा लाया? तो जेल में थी। जेल में थी? हाँ। ये और इसका चाचा दोनों एक नंबर के चोर है, है? दोनों को पुलिस पकड़ कर ले गई। इसका चाचा तो छूट गया, बुढ़ा था, और ये पता नहीं छूटी है कि जेल से भाग है। Thank you.
कार में पर्स छूट गया है तो छूटने दे, हम वहाँ वापस नहीं जा सकते, गाड़ी में डेड बॉडी है, पर्स मिलना जरूरी है। अरे भाड़ में गया तुम्हारा पर्स, पैसे है ना, कल किसी तगड़े आसामी को चूतिया बना के खमा लेना। सिर्फ पैसों की बात नहीं है, पर्स में एक चिट्ठी भी है। किसकी चिट्ठी? चाचा ने लिखी थी। चाचा ने? मेरी प्यारी माया, मैं यहाँ बराबर है, आशा है कि तू भी बराबर होंगी। मैं इधर कर्जत के पास हाईवे पर एक सेकंड हैंड पेट्रोल पंप का जोल किया है, जास्ती नहीं चलता फिर भी मिल जाता है। तू जेल से छूटने के बाद सीधा यहाँ आ जाना, देख अपन लोग ने लाइफ में बहुत लफड़ा किया है, अभी जैसे मैं सुधर गया वैसे तू भी सुधर जाना। तू लाइन पे आ गई तो तेरा एक अच्छे लड़के के साथ शादी बनाएगा, बाकी तेरी मर्जी। बहुत दिन से तेरे को देखने को मन करता है, पीछे लिखेला एड्रेस पे पहुंच जाना, मैं तेरा वाट देखता है, तेरा चाचा विलास राव कुलकर्णी। तो तकलीफ क्या है? चिट्ठी में मेरा मुंबई का एड्रेस है और चाचा का कर्जत वाला भी। तो अभी खोचो, अगर पुलिस का लफड़ा हुआ ना तो लाश का कनेक्शन मेरे साथ करेंगे। अभी अभी जेल से छूट के आई हूँ, वापस नहीं जाऊंगी। अरे बाप रे, लफड़ा है, बड़ा लफड़ा है ये। चाचू प्लीज ले चल मुझे वहाँ। नहीं यार देख, मैं नहीं आने वाला है, तुझे जाना है तू जा, गाड़ी वहीं पर छोड़ी है जहाँ पर हमें लाश मिली थी। राजू प्लीज मुझे वहाँ अकेला भेजेगा, तुम चलोगे थोड़ी हिम्मत बढ़ेगी। नहीं देख यार, वो क्या है कि यार डेड बॉडी का मामला है, गाड़ी भी चोरी की है, अब तक तो किसी ना किसी ने गाड़ी के बारे में पुलिस को खबर भी कर दी होगी कि भाई एक मर्सिडीज सड़क पर खड़ी हुई है और मालिक का कोई अता पता नहीं है। अभी तक तो शायद डिक्की के अंदर वाली डेड बॉडी भी मिल गई होगी, बेकार में पकड़े जाएंगे फिर लेने के देने ना पड़ जाए इसी, तू है ना। अबे लल्लू तू क्या पीछे खड़ा रहकर यूं यूं कर रहा है, तेरे से बात कर रही हूं, तेरे को बोल रही हूं कि चल करके, राहुल से बात कर रही हूं ना, करने दे। प्लीज चल ना मेरे साथ, कोई प्रॉब्लम हुई तो वापस चले आएंगे। हाँ कुछ पता चला? यार तेरे ये काकू पीटर किसी काम के नहीं है भैया। चल चल उठा ले बटवा, खिसक लेते फटाफट। चल क्या कर रही है? अरे मिला के नहीं बटवा। अरे छोड़ उस बैग को, पर्स ले अपनी और निकल ले यहाँ से। कर क्या रही है तू? अरे क्या कर रही है, रहने दे मैं बोल रहा हूँ, पता नहीं किसकी बैग है, क्या कर रही है? अरे सुन तो सही तू मेरा, तू समझती नहीं है, पागल हो गई है क्या? आइला 40-50 लाख का मामला लगता है राजू, लेकिन नहीं दिया। एक चोरी की गाड़ी है, डिग्गी में लाश है, बैग में पैसे, मामला एकदम गड़बड़ है, रहने दे। अबे घोचू भगवान का प्रसाद है, वह बैठे बैठे मिल रहा है, घंटी बजाओ और मुंह में ले, तुझे नहीं चाहिए ना? ठीक है मैं ले जाऊंगी। चल दे मुझे बैग, चल अब। अच्छा सुनो, आरे साइड में किसी को भेजा है? नहीं नहीं रहने दो तुम, मैं उसी साइड में खुद चेक कर लूंगा। हाँ अच्छा राजू एक बात बता, अगर कोई इंटरव्यू देने जाता है टैक्सी में और उसकी नौकरी पक्की हो जाती है तो उसे टैक्सी वाले के साथ अपनी कितनी पगार बांटनी चाहिए? मैं समझा नहीं। टैक्सी वाले ने क्या किया? बस उसे वो इंटरव्यू तक ले गया, नौकरी तो सभी बूते पे मिली ना। अच्छा यानी कि टैक्सी ड्राइवर मैं और नौकरी मिली तुझे, यानी कि सारा पैसा तेरा और मैं सारा ठंडन गोपाल। अबे छूटे ज्यादा बोलेगा तो एक पहले दूंगी, समझे? नाराज क्यों होती है? जितना देना है उतना दे, लेकिन
उसके हाथ में इतना बड़ा रिवॉल्वर था। रिवॉल्वर नहीं, पिस्तौल था, पिस्तौल। और इतना बड़ा नहीं। अरे जितना भी बड़ा हो चला देता हम पर। तो चलाया तो नहीं ना, तू एकदम फट्टू है। फट्टू तो फट्टू मैं की फट्टू तू? कैसी फट रही थी तेरी? राजू चल ना मेरे साथ कार पर, हिम्मत बढ़ेगी मेरी। हाँ तो आए क्यों मेरे साथ? नहीं बोल देता। अरे क्योंकि मैं तेरे से छोड़ना अभी रहने दे। क्या बोलना 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 क्योंकि मैं ये नहीं चाहता था कि तू वहाँ अकेली जाए बस। और क्या? ऐसा क्यों? अरे क्योंकि वहाँ कुछ भी हो सकता था, पुलिस वहाँ पहुँच जाती तो तू? अरे तो तू पकड़ी जाती। और क्या? मैं पकड़ी जाती तो तेरे को क्या? जेल जाना पड़ता तेरे को, मेरे को क्या? मेरे को जेल जाना पड़ता तो तेरे को अच्छा नहीं लगता? अरे तेरे को जेल जाना पड़ेगा तो मेरे को क्यों अच्छा लगेगा? क्यों क्यों? क्योंकि अरे क्यों क्या क्यों? अब ये बता मैं जा कहाँ रहे? चाचा के पेट्रोल पंप, उस मुस्टंडे के पास मेरी चिट्ठी है। इसके पहले कि वो पेट्रोल पंप पहुंचे, वहां पहुंचकर चाचा के साथ। भैया पुलिस, अगर उन्होंने डिग्री चेक करने को बोला ना, अपने को फांसी मिलेगी उस मर्डर के लिए जो हम लोग ने किया था। सोचने दे। क्या सोच रही है तू? नहीं माया, नहीं माया, मैं नहीं देखना। आ बुलाऊं तेरे को? माया सामने ही खड़ा हो। पुलिस एकदम नजदीक है, भगा गाड़ी भगा। अरे तू हंस रही है? तेरा दिमाग खराब हुआ है? पुलिस एकदम पीछे पड़ी है, सटके ली। क्या करूं? अरे तेरी फटी हुई होनी चाहिए। वैसे ही कह रहे थे, साली एकदम हरामी चीज है। अगवाई बाहर में जा तू। क्या हुआ? अरे मेरे को नहीं मांगता पुलिस और भाई लोग का चक्कर। मैं साला अच्छा खासा छोटा मोटा धंधा करके खुश था, तूने मेरे को फंसाया ये सब में। अब मैं तेरे आसपास भी नहीं रहेगा। तू एकदम डेंजरस औरत है, मार डेंजरस, साली फंदेबाज। ऐसी औरत मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी। तू निकल यहां से, मेरे को तेरा पैसा भी नहीं मांगता। मैं तेरा हाथ जोड़ता हूं, तू निकल यहां से, निकल। मैं चलिए तो गई। बच्ची है, मेरी भतीजी है, कुतिया है, बहुत जान जलाई है इसने मेरी। अब पैसा गाड़ी मिल गया ना, अब उसे मार के क्या फायदा होगा? छोड़ देना। बात बराबर है, बराबर है, लेकिन बहुत दिन हो गए किसी को बगैर पैसे लिए नहीं मारा। आज मारूंगा। और तू ना आप एकदम चुपचाप बैठना गाड़ो। अरे
बोलो देख बोलो इधर देख दो जन। अरे एक लड़की और दूसरा बूढ़ा था ना। अच्छा अच्छा, जिनके पास एक भारी बैग भी था। हाँ वही वही। अरे वो तो उतर गए पिछले स्टॉप पे। अब्बास भाई, मैंने सोच लिया आज के बाद मैं गलत धंधा नहीं करेगा। बहुत खेल लिया है चोर पुलिस का खेल, अब से मैं इज्जत की रोटी कमाऊंगा। हर महीने घर पर मनी ऑर्डर भेजूंगा, हर सवेरे मंदिर जाऊंगा, मैं अच्छा आदमी बनूंगा। बस भाई अबे चूतिए, सीधा सीधा क्यों नहीं बोलता, उस लॉन्डी ने तेरा दिल तोड़ दिया। अबे सिर्फ तोड़ा नहीं अब्बास भाई, छल्ली छल्ली कर दिया। यानी क्या उसके लिए, चल अपनी जान पर खेलकर उसकी जान बचाई, और बदले में क्या मिला, साली अपने चाचा के साथ पैसा लेकर भाग गई। वापसी के टिकट में पैसे भी नहीं थे मेरे पास मालूम। अबे तो तेरे को पहले नहीं बताया था, हैं? बताया नहीं था तेरे को, बड़ी कुत्ती चीजें, दूर रह इससे। देख लेना बस भाई, आज के बाद राजू इस दुनिया की किसी भी औरत की तरफ मुंह उठा के नहीं देखेगा। अब से मैं हूं राजू ब्रह्मचारी। मैं सलाब पछी देखा। हर महीने तुझे देखने आया करूं। नहीं नहीं, ये भी बात ना थी। तो शो बात छे। ओके कहीं नहीं। ओ बाबा, धीरे कर धीरे। सॉरी। आई बरू क्यों नहीं थे? अरे तुमको इससे क्या मतलब, ड्रेसिंग कर दो बस। अरे बाबा कोई चांस नहीं है। हाँ, तो ऑलरेडी ऊपर पहुंच ही गया। किंडा प्रोफेसर, तू अरे इसको छोड़, क्या हुआ? पास्कल मर गया। पास्कल कौन? अरे एंथनी भाई का बेटा जो उस दिन। हाँ क्या हुआ? नवाब और उसके आदमी कोरोना अटैक कर दिया। अब एंथनी मेरे को छोड़ देगा भी नहीं यार। एंथनी भाई को मालूम है कि अपनी धंधे में तो ये सब होता ही रहता है, वो कुछ भी हो सकता है किसी भी वक्त। अरे वो बात नहीं है यार। तो फिर वो देख पास्कल का फेस जो है। पॉइंट ब्लैंक, फेस ब्लैंक, होलो, सी थ्रू, कुछ नहीं छोड़ा, कुछ भी नहीं। थोबड़े कह चिथड़े चिथड़े कर दिए बहन चौदा ने। चूतिया डॉक्टर को भी उल्टी आ गई, और प्रोफेसर अगर एंथनी भाई को भी उल्टी आ गई ना,
तो ये समझ ले कि मेरे को उल्टा टांग के मेरी गांड में AK-47 घुसेड़ के फिर शूट करेगा। हीरो देखना मांगता है, नो प्रॉब्लम, मैं अभी तेरे को एकदम ग्रेगरी पैक का माफिक बनाएगा, देख तू। कैसे हो सालवी? अरे प्रोफेसर, तुम बहुत साल बाद, नहीं तुम्हारे लिए काम ले क्या? अभी काम करने का वास्ते ही तो बैठा है आपने इधर। अभी देखो, इसको देखो, जब ही मेरे पास आया था ना तो एकदम सड़ेला दिखता था, अभी देखो प्रेजेंटेबल दिखता है ना, आधा घंटे में ग्रेगरी पैक का माफिक दिखेगा। इसको इसके माफिक बनाने का, ये वही है ना, नो प्रॉब्लम, हो जाएगा। प्रॉन करी खाया है ना? ये सफेद सफेद क्या है? फ्राइड राइस। अभी प्रोफेसर, इसका तो प्लास्टिक सर्जन भी कुछ नहीं कर पाएगा। वो सब मेरे को नहीं पता है। तुम्हारे पास कल दोपहर 3 बजे तक का टाइम है। एंथनी भाई का फ्लाइट 2:15 बजे आएगा, वो सीधा इधर आएगा। कल दोपहर 3 बजे तक इसको ऐसा होना मांगता है। अरे पर फेस का मेकअप करने का वास्ते फेस तो होना मांगता है ना, उधर तो खाली खड्डा है। हाँ हाँ, तो क्या हुआ, खड्डा भर दो ना, जिस तरह से मैं तुम्हारा जेब भर रहा हूं। डोंट वरी, काम होने के बाद तुम्हें पैसा और मिलेगा, ब्रीफ केस में माला माल कर दूंगा, डोंट वरी, बी हैप्पी, जस्ट रिमेंबर काम एकदम परफेक्ट होना चाहिए। अभी मैं कोई मैजिशियन थोड़ी है, नहीं होएगा मेरे से, नहीं होएगा तेरे से, नहीं होएगा तेरे से तो मेरे से तेरा मर्डर होएगा। बाय गॉड, बहुत स्लोली स्लोली मैं तेरा मर्डर करेगा, पूरा 1 साल लेगा, तड़पा तड़पा के मारेगा तेरे को। सबसे पहले मैं तेरी खाल उखेड़ूंगा आहिस्ता आहिस्ता, और उसके बाद एक एक करके तेरे नाखून उखाड़ूंगा, और फिर तेरी उंगलियां काटूंगा, चुप 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 चुप, धीरे धीरे, और उसके बाद तेरी गांड से खाल खींच लूंगा और तेरे लंड, समझ रहा है ना? दिखता नहीं है क्या? सुसाइड, सुसाइड करना है तो किसी बिल्डिंग में जाके छलांग लगा या रेलवे पटरी में जाके कूद,
या चूहे मारने की दवा खा। ये कौन सा स्टाइल है सुसाइड करने का? स्टाइल नहीं है, मजबूरी है उनका। अभी मेरा कोई आगे नहीं, कोई पिछू नहीं, अकेला आदमी। अभी मरने के बाद पता नहीं उन्हें मेरे को बरी भी करेगा कि नहीं, इसलिए मैं खुद ही अपने आप को बरी करेगा। सुसाइड कम जनरल टू इन वन। सुसाइड इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। पाप, सिन, गॉड हेट यू, गो टू हेल। अभी सुसाइड नहीं करेगा तो वो मेरे को टॉर्चर करेगा। कौन? वो प्रोफेसर बोला मेरे को। प्रोफेसर? वो प्रोफेसर को मैं समझाऊंगा। कौन से कॉलेज में पढ़ाता है? एक पढ़ाता नहीं है रे, वो किलर है। किलर? किलर? बंदूक है उसके पास? तू चिंता मत कर, मैं उसकी गोली छुपा लूंगा। फिर कैसे मारेगा? कोई फायदा नहीं है, वो मेरे को गन से नहीं चाकू से मारेगा, ऐसा बोला। आहिस्ता आहिस्ता, चप 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 चप, टुकड़े टुकड़े। All because of you, Buster. अभी आएगा वो 2:30 बजे प्रोफेसर चेक करने, फिर आएगा इसका बाप। मैं किसी को नहीं मिलेगा। ये तो मेरा फोटो है। तेरा फोटो? दिखा दिखा दिखा, ये देख, सेम टू सेम। ये पास्कल है। पास्कल? पास्कल नहीं है, ये मैं है। देख देख, ऐसा कर, ऐसा कर। अभी अभी ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा कर। Yes, yes, yes. ए, तेरे को भूख लगा होगा ना? तंदूरी चिकन खाएगा? तेरे को तेरा मम्मी तेरा ट्विन ब्रदर के बारे में बोला कभी? मेला में गुम हो गया ऐसा नहीं बोला ट्विन ब्रदर? चलो नो प्रॉब्लम। अच्छा, तेरे फादर का नाम एंटोनी भाई था? श्योर? डिफरेंट मदर डिफरेंट फादर पर सेम फेस, गॉड्स मिरेकल। और क्या बोलेंगे? ये अभी तेरे मरने का टाइम हो गया, सो जा। चुपचाप सोने का, सांस बंद रखने का है। ला ये मेरे को दे, ये देना मेरे को। ये मरवाएगा क्या तुम्हें? तुम्हें देता है ना, बाद में देता है तेरे को। ये आदमी मरवाएगा मेरे को। अच्छा, इसको छुपा के रखने का। वेलकम प्रोफेसर। सालवी, यू आर जीनियस सालवी। थैंक यू, थैंक यू। ये क्या? अभी नहीं था, आई डोंट नो। मेकअप मटेरियल? ओ यस, मेकअप मटेरियल। साल्वी, तुमने बहुत ही बढ़िया काम किया है। बाय गॉड, अगर प्रोड्यूसर होता ना तो तुमको ऑस्कर देता, ऑस्कर फॉर बेस्ट मेकअप। थैंक यू प्रोफेसर, थैंक यू। और तुमको एक बात सच सच बताऊं, पास्कल के चेहरे की हालत देखकर मुझे लगा था कि तुम ये काम नहीं कर पाओगे, और तुम नहीं कर पाओगे तो मतलब कोई भी नहीं कर पाएगा। इसीलिए तुमको जान से मारने की धमकी देकर गया था कल, कि तुम अपना काम जी जान से कर सको। और देखो रिजल्ट्स, इनक्रेडिबल। यू आर अ जीनियस सालवी, जीनियस। थैंक यू प्रोफेसर, क्लाइंट्स हैप्पीनेस इज आवर मोटो। तंदूरी चिकन? यस, तंदूरी चिकन, नथिंग टू वरी अबाउट। तंदूरी चिकन,
वो क्या है प्रोफेसर, मैंने तंदूरी चिकन से पास्कल के फेस का स्टफिंग किया, अभी कुछ था नहीं ना। ओह यार, अरे बाप क्या कमाल की खोपड़ी है तुम्हारे पास। पास्कल का मांस नहीं है, नो प्रॉब्लम, तंदूरी चिकन से काम चला लेंगे। वाह वाह। वो मेरे को कफ एंड कोल्ड है तो खांसी आता है। ये क्या, ये इसका मुंह तो बंद था, ये खोल कैसे गया? ऐसे। काम किया है तुमने, बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है, है। मेरी बात सुनोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगी। यस। अभी थोड़ी देर में एंथनी भाई आएंगे अपने बेटे का मातम मनाने के लिए। अपने बेटे को कॉफिन में पड़ा हुआ देखेंगे तो उन्हें लगेगा कि उनका बेटा सो रहा है। पास्कल कॉफिन में सो रहा है, ऐसा लगता है। ये कहीं से भी मरा हुआ नहीं लगता साल भी। अभी मरा हुआ नहीं है तो किधर से लगेगा? तुम्हारे काम की बुराई नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ इतना कह रहा हूं कि थोड़ा टचअप करके इसे मरा हुआ बना, यू नो व्हाट आई मीन, थोड़ा सा डिटेल। ओके ओके प्रोफेसर, मैं कुछ करेगा। क्या करेगा? मैं इसकी आंखों के नीचे वो डार्क सर्कल बनाएगा और फेस को थोड़ा डल करेगा। यू आर जीनियस, यू आर जीनियस। थैंक यू थैंक यू। चलो शुरू करो डार्क सर्कल। ओह यस। तुम जीनियस हो साल्वी। थैंक यू। लेकिन एक बात है कि ये मरा हुआ तो लग रहा है, लेकिन ये मरा हुआ साधारण आदमी लग रहा है। साधारण बोले तो आम आदमी। मैं वो मैन, ऑर्डिनरी मैन। देखो अभी 15 मिनट है एंथनी भाई के आने में। एंथनी भाई कौन? गैंगस्टर। ये कौन? गैंगस्टर का बेटा। तो मेक हिम लुक लाइक ए डेड गैंगस्टर, नॉट ए डेड मैंगो मैन। ओके ओके। पर ये गैंगस्टर का मेकअप कैसा होता है? वो अपने को नहीं पता है। हाँ, गैंगस्टर गैंगस्टर लगता है, आम आदमी नहीं। नॉट ए मैंगो मैन। नो। एक काम करता है, मैं इसका चीक पे एक कट बनाता है, ऐसा लंबा। गुड आइडिया, बनाओ कट। पन पहला था उसको ऐसा कट? नहीं था, लेकिन बनाने में क्या जाता है। सोचो उसके बाप को कितनी खुशी होगी ये देख के कि उसका बेटा भी बिल्कुल उसकी तरह गैंगस्टर दिखता है। ओके देन, गिव मी 5 मिनट। नो प्रॉब्लम। देखो कैसा लगता है साल्वी। यस साल्वी, तुम जीनियस है। ओह थैंक यू। जीनियस नंबर वन। मत किसी क्या करो, बार बार सब गीला हो जाता है। ओके ओके ओके, आगे से नहीं करेगा, नहीं करेगा। अभी लगता है गैंगस्टर? बिल्कुल, बहुत बड़ा गैंगस्टर लगता है। पर नहीं है? पर हाँ, पर ऐसा लगता है कि ये गैंगस्टर हार्ट अटैक से मरा है। अरे देखो, एंथनी भाई को भी लगना चाहिए कि उनका बेटा गैंग वॉर में शहीद हुआ है। गर्व गर्व होना चाहिए उनको अपने बेटे की लाश देखकर। कुछ शूट आउट टाइप का मेकअप करो ना, कुछ गोली वोली के निशान हो। है नहीं?
किधर में बनाने का है गोली का निशान? यहाँ बिल्कुल बीचों बीच एक छोटा सा होल बना। ओके स्टडी। रेड कलर जी ये चलेगा। एंथनी भाई आ गया है, अब नहीं है टाइम ये होल बनाने का। छोड़ो छोड़ो तुम बनाएगा होल? बहुत मस्त होल बनता है इससे। कर दो आज भाई। प्रोफेसर देखिए तो तेरे को करना पड़ेगा। कर दूंगा लेकिन आज ही भाई अंतनी भाई ने बोला ना कि आज ही तो आज ही। देख मैं चलूंगा ना तेरे साथ। अरे पर वो मिलेगा कहाँ? वो तो मैं पता कर लूंगा, लेकिन सुना मैंने आजकल ये है कि वो रोज रात को मड साइड में कहीं जाता है रंडीबाजी करने। क्या बात होगी प्रोफेसर? अरे क्यों हो गया भाई? ठीक है अकेला गाड़ी को टेंशन लेना। ये देखा आपने सर? गॉगल्स वाला नाइस। थैंक यू सर। फोटो वोटो तो ठीक है, अब ये बताओ एक्टिंग एक्टिंग कर लेते हो कि नहीं? सर राजेश कपूर एक्टिंग इंस्टीट्यूट में मैंने 6 महीने का कोर्स किया है। राजेश कपूर जी? अरे वो चूतिया तो खुद फर्स्ट एडर आर्टिस्ट है, वो दूसरों को एक्टिंग क्या सिखाएगा। वैसे फोटो में सारे पोज हीरो के भरे, तुमने कहीं हीरो रो बनने का तो इरादा नहीं है? सर रोल करूंगा तो सिर्फ हीरो के। हीरो के? अरे अपनी शक्ल कभी आईने में देखी है? माफ कीजिएगा सर, लेकिन
शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार के पास भी अच्छे चेहरे कहाँ है? अच्छा, टैलेंट होना चाहिए सर, टैलेंट। तो तुम्हारे अंदर टैलेंट है? यस सर, एक बार चांस तो दीजिए। अच्छा, ये बताओ क्या कर सकते हो? सब कुछ कर सकता हूँ मैं, ड्रामा कर सकता हूँ, कॉमेडी, रोमांस, ट्रेजेडी, सर मैं गा भी सकता हूँ, मैं नाच भी सकता हूँ। अच्छा, हाँ ठीक है, जरा नाच के और गा के दिखाओ अभी। हाँ, क्यों डरते हो क्या? अरे ये समझ लो मैं तुम्हारा ऑडिशन ले रहा हूँ। ठीक है सर, ठीक है, आप कहते तो करके दिखाता हूँ, मुझे कोई एतराज नहीं है सर। मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मैं चाहे यहाँ जाऊं, मैं चाहे वहां जाऊं, गोरे को मैं कहूं काला, जिधर को मैं बोलू साला, नंदी को मैं बोलू नाला, चाबी भी ना खोलू ताला, मेरे बारे में कुछ कहना नहीं, चुपचाप बैठे रहो बोलना नहीं, मुझे समझ जाना मत झूठ सही, चाय पी जाऊं मैं चाय कॉफी डाल के दही, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। सब ठीक हो जाएगा बाबा, ऐसा चलता रहा ना। तो वो तुम्हारा वो टैलेंट एजेंसी वाला क्या कर रहा है? वो जयदेव साले ने पैसे तो ले लिए, कुछ काम नहीं दिया अब तक। बी पेशेंट, मुझे पूरा विश्वास है कि एक ना एक दिन तुम बहुत बड़ा कब आएगा वो दिन? सॉरी, मुझे नहीं लगता मेरा कुछ होने वाला है। ऐसे क्यों बोलते हो? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, यू जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क, मीटिंग प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स। मुझसे कोई इंप्रेस नहीं होता है, एंड आई डोंट नो हाउ टू कन्विंस देम। पड़ेगा, लेकिन कल तक बुक वापस करनी पड़ेगी, ये कॉपी बहुत डिमांड में है। पढ़ने दोगी रात को? नॉटी। मेरे पास लॉटरी का टिकट है, लॉटरी निकल जाने दे, मेरे पास तेरे से भी ज्यादा डबल बंगले, तेरे से भी डबल गाड़ियां, तेरे से भी ज्यादा नौकर चाकर होंगे भाई, लॉटरी निकल जाने दे, लॉटरी निकल जाने दे। उठो बाबा, तुम्हारे लिए जयदेव का फोन है, उठो। कौन जयदेव? अरे जयदेव, टैलेंट एजेंसी वाला जयदेव। अच्छा, तुम्हारी चाय ठंडी हो रही है, मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ। गुड मॉर्निंग आंटी। गुड मॉर्निंग। हाँ जयदेव बोलो। गुड न्यूज, एक वीडियो फिल्म है, पैसे कम मिलेंगे मगर मेन लीड रोल है, करोगे? क्या बात कर रहा है, लीड रोल डेफिनेटली करूंगा यार, पैसे गए तेल लेने। स्टोरी कौन लिख रहा है, डायरेक्टर कौन है, कौन बना रहा है? वो सब छोड़, अपनी बंबई की पार्टी है, बस तू कल 10 बजे लोकेशन पहुंच जा। कल? हाँ, एड्रेस नोट कर। यस यस, बोल बोल। रूम नंबर 25। हाँ। आनंद गेस्ट हाउस। हाँ। बाईकुला। हाँ। पहुंच जाना। अरे पक्का पहुंच जाता बॉस। ओके, थैंक यू।
ड्रिंक 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 हेलो कौन सुभाष गाय साहब नमस्कार साहब क्या कहा आपने मेरी वीडियो फिल्म देखी आपको मेरी एक्टिंग बहुत पसंद आई आप मुझे अपनी फिल्म में साइन कर रहे हैं थैंक यू सर थैंक यू आपके पांव कहाँ है सर अरे उन्हें चाटना चाहता हूँ मैं सर यस सर डेफिनेटली सर पहुंचता हूँ सर ओके ओके सर गुड बाय थिंक 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 रे रे हेलो कौन सुभाष हाय व्हाटएवर बोलो नहीं यार डेट्स नहीं है अरे जब बता रहा हूँ डेट्स नहीं है तो स्टोरी सुन के कोई फायदा ही नहीं ना हाँ अच्छा लिसन अब से यार डोंट टॉक टू मी डायरेक्टली पहले मेरे सेक्रेटरी से बात करो ठीक है हाँ बाय ठीक 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 हेलो मिस्टर जेम्स कैमरॉन हाँ बोलो ओह नो सर आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग हॉलीवुड फिल्म्स नो नो नॉट एट ऑल व्हाट वाज योर लास्ट फिल्म टाइटैनिक इट वाज टू बैड फिल्म आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन वर्किंग विद यू मैन या एंड लिसन डोंट यू एवर कॉल मी अगेन गॉट इट बाय भाड़ा कब देगा नेक्स्ट वीक कसम से चल आजा 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 तू तो अब मिनट किधर दिखाएगा तेरे को हीरो बनूंगा चल कैमरा एक्शन अरे वैसा नहीं मजा नहीं आ रहा है तू ऐसा एक्टिंग कर जैसे तू चूत रही है अब तेरे को मजा आ रहा है बस कम ऑन अरे वैसा नहीं सुन हाँ तू ऐसी एक्टिंग कर जैसे टेडी तेरी ले रहा है अब तेरे को मजा आ रहा है बस कम ऑन तो पहले क्यों नहीं बोला टेडी Teddy darling. Ha. Apo pancho. Cha. Ab English style mein bol. Fuck me. Fuck me. Fuck me. Fuck me. Good. Good. Are good mein tere ko bula tere ko. Are good mein tere ko bula tere ko. ठीक है कैमरामैन तू सुन लंड के माफिक अपने कैमरा को ऊपर नीचे कर ठीक है तेजी से खोसड़ी के और तेज और तेज क्या कितना क्लोज अप लेगा मेरे गंडू अबे क्या कर रहा है मेरे ऊपर उधर उधर नीचे गंडू खोसड़ी के फड़वे चल ठीक है ए चली जरा तू तेरा पैंट उतार और लौंडिया के ऊपर चढ़ गया चल सामान अरे मुझे क्या देख रहा है अपनी पैंट उतार और लौंडिया के ऊपर चढ़ गया आजा मेरी जान चल चल लौंडिया के ऊपर चल चल आजा बस दो मिनट की बात है फिर पैसा लेके अपन दोनों अपने अपने घर आजा यार कहाँ से चूजों को पकड़ ले आते हो अबे कहाँ भाग रहे अबे शूटिंग नहीं करेगा तो मुझे पैसे नहीं मिलेंगे अबे देख मेरे को अपना पैसा चाहिए हाँ तो बता रही हूँ अभी से Thank you.
पड़ेगा, लेकिन कल तक वापस करनी पड़ेगी। ये कॉपी बहुत डिमांड में है। मैंने तुमसे कहा था ना कि वो बुक डिमांड में है, उसे आज सुबह तक पढ़ लेना। हाँ, एक बार अंदर तो देख लेना चाहिए था। लेकिन तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि उसमें लॉटरी का टिकट है? क्योंकि मैं सो गया था और सुबह में तुम निकल गई। अब ये पता लगाओ कि किताब कौन ले गया है, 2 करोड़ रुपए का सवाल है। एक मिनट चुप कर। यस, लिली ब्रिगेंजा, रोज कॉटेज, कोलीवाड़ा, वर्सोवा। क्या बात करती है, तूने नंबर चेक किया ना? हाँ, मैंने नंबर डबल चेक कर लिया है। नंबर वही है, PJ134755। 2 crores, Daddy, 2 crores, can you believe it? माँ की आँख। We'll be ripped. सच्ची? अरे यार कितनी बार पूछेगा? Daddy, 2 crores. ए सुन, अभी गाड़ी निकाली है ना, 2-3 बारा मार के अभी आता हूँ। अबे चूतिए, अब हमारे पास 2 crores है, भाड़ा गया तेल लेने। मैं भी चूतिया हूँ। सुन, तू अभी इधर आ। क्या करेगी मेरे साथ? तू आ तो सही, तो फिर करके बताऊ। अब भी आ। केम छे, केम छे, केम छे, एम छे, एम छे, एम छे। कभी दिखेगा ना, पिस्टन ढीला कर दूंगा मारा। रवि ने बहुत मारा। चुप रहा, चुप रहा। क्या हालत कर रही है? मैं पूछ देता हूँ ना, नहीं लग रहा है। मैं किस कर दूँ? देख कर। बहुत लग रहा है, मुझे नहीं पता। कुछ होगा वो किताब, बस किताब पे आ रहा है। नहीं पता, नहीं पता। किसी से पूछ लेना भाई, इसे तो कुछ नहीं पता। कोलीवाड़ा, वर्सोवा, उसके साथ एक मुस्टैंडा भी है, टेडी। हमको हमारा कमरा कल तक खाली मांगता, समझा तुम? आ, 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 आ,
चला चला ना तो गोली चलाएगा तो मैं ये लॉटरी कटक जाऊंगा। मेरी तो बहुत आ जाएगी लेकिन लॉटरी तुझे भी नसीब नहीं होगी। सच कहता हूँ घटक जाऊ घटक जा। सबसे पहले मैं तुझे गोली मारूंगा फिर तेरी लाश को किचन में लेके जाऊंगा। वहां चाकू तो होगा ही, प्लेटफॉर्म पे लेटा के आराम से तेरा पेट फाड़ूंगा और लॉटरी का टिकट निकाल लूंगा। कैसा आइडिया है? चल अब मरने के लिए तैयार हो जा। एक दो लॉटरी का टिकट कट गया। ऑपरेशन करो कुछ भी करो। एक मिनट एक मिनट कुछ भी करो डॉक्टर उसको दिखा लो डॉक्टर। डॉक्टर आओ बैठो बैठो डॉक्टर का टिकट पहले बैठिए आराम से बैठो। डॉक्टर रिलैक्स निकालो उसको आराम चल बोल सूट है डॉक्टर। लॉटरी का टिकट कट गया अंदर निकालो उसको। ऑपरेशन करो कुछ भी करो निकालो निकालो। कितने का है? दो करोड़। दो करोड़ फीस दूंगा ना तुम्हें। 2 लाख 5 लाख 10 लाख। अच्छा अच्छा चलो 50-50 60-40 70-30 80-20 Can you tell me how much do you want, doctor? Sautaka.
25 रुपए। 25 रुपए कैसा हुआ? हर रोज में 20 रुपए देते हैं, 25 कैसे हो गया तेरा? अरे ट्रैफिक नहीं देखा गया? 25 ट्रैफिक पर भी मेरे को मालूम है, तेरा कार्ड बता मेरे को। कार्ड नहीं है। कार्ड नहीं है तो भी दंड दे, पैसा नहीं देता है। नहीं देना तो मत दो, उतरो, टाइम खोटी मत करो साले चूतियो। साला क्या लाइफ है मादर चोद। बॉम्बे सेंट्रल जल्दी। बॉम्बे सेंट्रल किधर? This is Ramnik Mehta's residence. Sorry, we are not at home. Leave your message after long beep. Thank you. Oh.